गाइस, गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी तीज टू ऑल ऑफ यू। लुक एट दिस गाइस, एक साल बाद मैंने मेहंदी लगवाई अपने हाथों पे। लास्ट ईयर डिलीवरी की वजह से, आई मीन कंसीव कर लिया था तो उस वजह से नहीं लगवाई थी। सो फाइनली मैंने इस बार मेहंदी लगवाई है। अभी अभी जस्ट आई हूँ पूड़ियाँ निकाल के, और खाना बनाया है मैंने, तो खाना बना के पूड़ियाँ निकाल के आई थी तो मैं बहुत थक गई। मैंने सोचा कि अब थोड़ी देर ठंडा लेती हूँ, ठंडाने के बाद गर्मी लगती है गैस के आगे, फिर मैं चेंज वेंज करूँगी। मैं जाती हूँ फटाफट से मेकअप करने, मीन चेंज अप करने, मेकअप ऐसा नहीं करूँगी क्योंकि इस बार मेरी ज्वेलरी बहुत हैवी है तो मैं मेकअप कुछ नहीं करने वाली हूँ। फ्रेंक मैं जा रही हूँ वही ड्रेस पहनने, तो फटाफट से ड्रेस चेंज कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ कि बहुत लेट हो रहा है पूजा के लिए। हे एवरीवन, सो मैं रेडी हो गई हूँ फटाफट से, आप देख सकते हो। और मेरी नेल पेंट नहीं लगी थी अभी तक, तो मैंने देखा कि मेरे पास बेबी पिंक कलर का कोई भी नेल पेंट नहीं है। ये पड़ा था मेरे पास कुछ गाजरी शेड में है जो पिंक लग रहा है, देखो। तो मैं सोच रही हूँ मैं यही लगा लेती हूँ, नेल पेंट मैं लगाई नहीं थी। बाकी आपको बता दूँ, ये ड्रेस मैं कल रात ही लेके आई हूँ, तो फिर ना अभी मैं आपको फोटो दिखा दूँगी। तो इसकी बैंगल्स लाना मैं भूल गई, तो अभी मैंने हस्बैंड से मंगाई हैं अपने, तो वही लेके आए हैं बेबी पिंक कलर और ग्रीन कलर की बैंगल्स। अभी अभी जस्ट कल रात मैं लेके आने हो गया मार्केट से यार, मेहंदी लगवाती, कपड़े खरीदती, क्या क्या करती। कल रात ही मैंने किया है सब कुछ, तो मैं मुझे सुबह ही याद आया यार शर्ट चूड़ियाँ तो मैं लाई, और त्यौहार है तीज का तो चूड़ियाँ तो नहीं पहननी है। वैसे तो ग्रीन कलर की बहुत सारी रखी है मेरे पास, बहुत सारी, 3 साल से ग्रीन ही पहन रही हूँ, तो 3 साल से ग्रीन की वजह से मेरे पास ग्रीन चूड़ियाँ बहुत इकट्ठी हो गई हैं, तो इसलिए मैंने आपके पास ग्रीन कम मंगाई थी, बेबी पिंक ज़्यादा मंगाई थी। ओह गॉड, इस बार मैंने कुछ अलग रखा है। और ये ज्वेलरी आप देख रहे हो, लुक एट दिस, ये ब्यूटीफुल ज्वेलरी मेरी मम्मा ने मेरे को बर्थडे पे गिफ्ट किया था। मैंने आपको बर्थडे वाले ब्लॉग में आपने देखा भी होगा, मैंने आपको बताया भी था कि मेरी मॉम ने मेरे को एक नेकलेस गिफ्ट किया था। आज के वो बोले क्या लोगी, तो ये ज्वेलरी मुझे बहुत पसंद आई थी तो ये ज्वेलरी मैंने मंगाई थी। और गाइज, ये ज्वेलरी मैंने मंगाई है मीशो से, यस ये मीशो से मंगाई है मैंने, बहुत ही ब्यूटीफुल ज्वेलरी है, पूरा गला भरा भरा लग रहा है। इसलिए मैंने मेकअप बहुत लाइट किया है, सिर्फ लिपस्टिक बिंदी, आई शेडो मेरी फिंगर्स लगाया है और बस। हाँ, हाथ पकड़ो हाथ, जय माता दी। सब टॉप दो, कहाँ जा रहा है नंबर आना, एक बीच में लगा दो, हाँ बीच में गोल गोल बस एक इधर। अरे 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 अरे, बस जय माता दी, जय माता दी। सो ये कुछ ऐसा है मेरा लुक, नीचे लहंगा है। अब मैं जा रही हूँ पूजा करने, गाइस मैं जा रही हूँ पूजा करने। पूजा करने से पहले सबसे पहले भावर लगानी चाहिए, तो मैं यहाँ पर लगा रही हूँ भावर, क्योंकि आपको सुहाग की पूजा के लिए पहले 16 सिंगार पूरा करना होता है, उसके बाद आपको पूजा स्टार्ट करनी होती है। शंकर भगवान पार्वती माता का जो होता है उनको ईष्ट देव मानते हैं सुहाग के लिए, तो उन्हीं की पूजा होती है। तो शंकर भगवान जी पार्वती माता बनाई जाती हैं मिट्टी की, उनका फिर श्रृंगार किया जाता है, उनको रेड दुपट्टा उड़ाया जाता है और धूप दिखाकर दिया जलाकर उनकी पूजा की जाती है। साथ ही साथ 16 पूरा 14 चीज़ें श्रृंगार की होती हैं और उसमें पूड़ी पुए बनते हैं, तो पूड़ी पुओं का भोग लगता है। जैसे आप देख सकते हो जितनी भी पूड़ियाँ होती हैं, 7 पूड़ी होती हैं, 7 पुए होते हैं, तो इस तरह से 14 करके उनका भोग लगाते हैं, फिर सुहाग लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हम तीज की पूजा कर रहे हैं सास बहू दोनों मिलकर। आपने बाकी हर साल व्लॉग में देखा ही होगा मम्मी और मैं कैसे तीज की पूजा करते हैं एक साथ, तो यहाँ पे भी हम अगेन वही कर रहे हैं। जितना भी सुहाग का सामान होता है वो भगवान को दिखाना होता है, और भगवान को दिखाकर उनकी फिर आरती पूजा करनी होती है। तो यहाँ पर तीज की पूजा संपन्न हुई। भगवान जी ऐसे हर साल हम दोनों सास बहू में मिलकर भगवान जी ऐसी तीज की पूजा करते रहें, अपना सुहाग के लिए आपसे मनोकामना मांगते रहें। यहाँ पे मम्मा को फिर वो दे रही हूँ सुहाग का सारा सामान, और दान जो देना होता है वो देकर आशीर्वाद ले लिया। सुबह से व्रत था और वो भी निर्जल व्रत, सुबह से पानी भी नहीं पिया मैंने, और निर्जल व्रत मैंने अब खोला, अभी बज रहा है शाम के 4,
ये पुए मेरे फेवरेट है, मुझे इतने पसंद है पुए, ये मुझे मीठा बहुत पसंद है, इसलिए सबसे पहले मैंने अपना व्रत खोला है पुए खा के, फिर मैं खाना खाऊंगी अपने पति की थाली में, क्योंकि हमें लेट हो गया था पूजा करने में, तो वो खा चुके थे पहले, भगवान का भूल लगा के मैंने सबसे पहले अपने पति को खिला दिया, पापा को खिला दिया, मैं मम्मी बजे थे, तो मम्मी बोली हम बाहर खाएंगे, हम एसी में नहीं खाएंगे, हमें लग जाएगी ठंड, और मुझे लग रही बहुत गर्मी, क्योंकि इतना हार वो पहन रखा है मैंने, चक्कर आया तो मैंने पहले खाना खा लेती हूँ, क्योंकि वीडियो भी नहीं बनाई मैंने, मेकअप भी देखो आप कुछ नहीं किया मैंने, देख लो यार झूठ नहीं बोल रही, सिर्फ लिपस्टिक लाइनर लगा लिया फटाफट से, क्योंकि टाइम नहीं था। अब आप लोग कहोगे इसका मेकअप ट्यूटोरियल शूट करूँ, तो ट्यूटोरियल क्या शूट करूँ, मैं तो मेकअप ही नहीं किया है। वेल मैंने बनाए थे आज देसी घी के सूखे आलू और पूरी और टमाटर आलू और पुलाव, मम्मी ने बनाई थी केले की सब्जी और पुए, पुए जो निकलते वाह मज़ा आ गया। मेरे पति बोले ज्योति आज खाना बहुत अच्छा बनाए, जब खाना आप बनाओ तो पति आपकी तारीफ करते, सब बता रही मेरे तो भूख खत्म हो जाती है, वो उनका पेट भर गया उनको अच्छा लगा ना तो बस बड़ा अच्छा लगता है। आई स्वेयर झूठ नहीं बोली, आप इसे कितने लोग एग्री करते हो प्लीज़ बताना कि आप खाना बनाओ और आपका पति आपके खाने की तारीफ कर दे तो आपका आधा पेट भर जाता नहीं भर जाता, सबसे बताना प्लीज़ ठीक है। हमेशा तो ये होता है कि मैंने खाना बनाती हूँ या मेरे खाने की तारीफ कर दें तो मेरा तो पेट ही भर जाता है आधी खुशी से। बाय बाय गाइस, मिलते हैं अभी। हे गाइस, सो बहुत सारे रील्स बना ली है मैंने और रील्स बना के अब मैं जा रही हूँ चेंज करूँगी, चेंज करने के बाद कल सावन का सोमवार है तो सावन के सोमवार के व्रत की तैयारियाँ करूँगी, रात का डिनर बनाऊँगी, डिनर में मोस्टली लंच का सभी कुछ रखा गया हमारे यहाँ, बस आलू की कचौड़ी बननी है आज, तो फटाफट मैं जाके चेंज करके आलू की कचौड़ियाँ बनाऊँगी अभी, और बेटी को पापा उसके पापा खिला रहे हैं घर के बाहर, उनके साथ मैंने खूब सारे रील्स बनाई तो आप इंस्टाग्राम पे चेकआउट कर सकते हो, और ये जूटी का लिंक अगर आपको चाहिए तो मैं आपको बता दूं कि मीशो पे लिंक तो नहीं होता है, कोड होता है, तो अगर आपको चाहिए होगा तो इस ब्यूटीफुल बेंदा और ये ब्यूटीफुल ज्वेलरी का कोड मैं आपको प्रोवाइड करवा सकती हूँ नीचे कमेंट बॉक्स में, अगर आपको चाहिए हो तो प्लीज़ बताइएगा। इसका प्राइस अप्रॉक्स 1500 या 2000 कुछ है इस नेकलेस का, ये मेरी मम्मा ने मुझे बर्थडे पर गिफ्ट किया था, तो ये मैंने मीशो से मंगाया, खुद से पसंद किया था, मम्मा बोली तो चाहिए तो ले ले, मैं अकाउंट पर डाल दे रही हूँ लाइक दिस, तो ऐसा था, तो अगर आपको चाहिए हो तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा। बाकी ड्रेस कैसी लग रही है आप लोगों को ये वाली प्लीज़ मुझे बताना, फुल लुक मैं शेयर कर दूँगी ब्लॉग में, एक वीडियो बनाया मैंने वो डाल दूँगी तो फुल लुक में आप देख लोगे ठीक है। बाकी मैं अभी जा रही हूँ चेंज करने, तो दैट्स इट, हो गया आज का तीज का त्यौहार, कल है सावन का थर्ड सोमवार, तो बस ऐसे ही सावन पे निकल जाएंगे, लेकिन इस बार मैं सावन के सोमवार के बाद से ये जो व्रत है मेरा मंडे का ये मैं कंटिन्यू करूँगा, तो सावन के 5 सोमवार है इस बार, वो 5 सोमवार तो मैं हुई हूँ, उसके बाद भी मैं जो है व्रत कंटिन्यू करूँगी। वेल इस ब्लॉग में आपको मेहंदी दिखाई, मैं दिखा देती हूँ, देखो लाइक मैंने यहाँ पे गाइस लिखवाया है दुर्गेश अपने पति जी का नाम, और अभी आपको दिखाती हूँ ऐसे करके, बहुत ज़्यादा रची है मेहंदी मेरी, एकदम काली पड़ गई है अभी लाइट की वजह से, दिख नहीं रहा होगा उसका वाइट वाइट दिख रहा है, लेकिन ये एकदम ब्लैक हो गई है, मैंने इतनी इतनी लगवाई थी क्योंकि 1 साल बाद लगवाई है मेहंदी, और ये है मेरी ड्रेस, थोड़ा सा दिखा देती हूँ आपको, ये बहुत ही प्यारी स्कर्ट है, इसके ऊपर आप स्कर्ट ऐसा स्कर्ट भी पहन सकते हो जस्ट इसको, और स्कर्ट के अलावा अगर दिख रहा है तो इसमें ये सेल्फ में लाइनिंग है, और इस टॉप के साथ नहीं तो आप किसी अदर टॉप के साथ भी इसको कैरी कर सकते हो इस स्कर्ट को, ये नॉर्मल स्कर्ट है उसके ऊपर ये कुर्ती है, और इस कुर्ती को भी आप एक क्रीम या गोल्डन प्लाजो के साथ कैरी कर सकते हो, तो ये डबल चल जाएगी कुर्ती मेरी, स्लीव्स नहीं लगी हुई थी इसमें, कल रात ही मैं इसको लेके आई तो स्लीव्स मैंने इसमें अलग से लगवाई, फिर बाकी मेकअप आप देख सकते हो, पैरों की मेहंदी दिखाना भूल ही गई आपको, मैंने पैरों की मेहंदी लगाई है, पैरों की भी दिखाती हूँ, एक अच्छा ये देखो गाइस मेरे पैरों पे मेहंदी। रील्स बनाई हैं बहुत सारी की है मेरे इंस्टाग्राम का हैंडल ज्योति _ उपाध्याय _ शंकर, डोंट फॉरगेट टू चेकआउट गाइस, और मैं फेसबुक पे भी अपलोड करती हूँ तो फेसबुक पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरा फेसबुक आईडी है ज्योति उपाध्याय शंकर, यस ओके गाइस फटाफट से मिलती हूँ। समझ में नहीं आता मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है गाइस, जो सोचो ना वो तो हो ही नहीं पाता है, मुझे लगा कि मैं झूला नहीं झूल पाऊंगी तो कम से कम मेरी बेटी झूला झूल लेगी, डिलीवरी डेट बेटी के लिए मैंने मंगाया था झूला, उसकी नानी ने बोला था कि सावन जो होते तुम क्या लोगी, मैंने कहा मैं कुछ नहीं लूँगी मेरे को कुछ नहीं चाहिए, तो मम्मी बोली कि तू नहीं लेगी तो तेरी बेटी के लिए मंगवा देती हूँ बता क्या, तो मैंने कहा मेरे को कुछ समझ में आ रहा उसके लिए भी अभी, तो मम्मी अपने आप बोली सावन में झूला मंगा देते हैं बेटी के लिए, मैंने कहा मंगा दो ठीक है जैसा उनका मन करे, तो मम्मा ने झूला ऑर्डर किया, 29 डेट थी डिलीवरी की, 31 हो गई आज और आज तक डिलीवरी नहीं हुआ, तो आज 30 थी, मुझे लगा 30 के त्यौहार पर फर्स्ट टाइम झूला झूल लेगी बेटी, बट झूला डिलीवरी नहीं हुआ,
ऑनलाइन लहंगा मंगाया मैंने 29 तारीख को डिलीवरी हुआ, डेट दिखा रहा था डिलीवरी की 31 जुलाई, बट टचवुड वो 29 जुलाई को आ गया, बट छोटा आया। मैं तो इतनी परेशान कि अब मैं कहाँ से लास्ट मोमेंट पर खरीद के लाऊंगी, बट चलो ठीक है यार। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है बरेली में, तो मेन मार्केट में, वहाँ उसके बराबर में एक शॉप है अंबिका सूट्स, मैं वहाँ से ये ड्रेस लाई हूँ। अगर आप लोगों को जानना है तो आप जा सकते हो, और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू रिकमेंड, मेरा नाम ले सकते हैं आप, मुझे पता है ना कि मेरा व्लॉग देख के आप वहाँ पे आए हो। कलेक्शन के पास बहुत अच्छा है। लास्ट ईयर जो रक्षाबंधन था मैंने सूट पहना था, रेड स्कर्ट थी और ग्रीन कलर का सूट था, वो सूट भी मैंने अंबिका सूट से लिया है, और ये ड्रेस भी मैं अंबिका सूट से लाई हूँ। और मेरी जो मेहंदी थी शादी के टाइम पे, जो मेरी मेहंदी हुई थी, तो उस मेरी मेहंदी में जो मैंने ग्रीन कलर का लहंगा पहना था, वो भी मैंने अंबिका सूट से लिया था। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के जस्ट बगल में जो शॉप है, तो वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। तो बेटे का चूल्हा नहीं आया फिलहाल, तो हो सकता है मैं आने वाले व्लॉग्स में आपको दिखा दूंगी, क्योंकि आज के व्लॉग में तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगी, क्योंकि वो डिलीवरी नहीं हुआ, ऑब्वियसली बात है, तो कहाँ से दिखाऊंगी। गाइस ये लहंगा मंगाया था मैंने फ्लिपकार्ट से, देख सकते हो आप, इसका मैंने एक्सचेंज डाल दिया है। ये मेरे को डिलीवरी हुआ 29 को, जिसकी वजह से मेरे को कल खरीदना पड़ा मार्केट से, बेकि से छोटा आ गया था। ये भी लहंगा बहुत प्यारा है, बेबी पिंक कलर का ही है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना मेरे पास हार पहले से ही था, तो मैं सोचती हूँ बेबी पिंक कुछ मंगा लूँगी, बिकॉज मैचिंग हो जाएगा, दैट्स व्हाई। तो एक्चुअली ना ये मेरी चौथी तीज है, फोर्थ, तो शादी के पास जो तीन तीजें थी उसमें मैंने ग्रीन 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 ही पहना था, तो मैं सोची थी इस बार कुछ अलग करती हूँ। अब अलग करती तो फिर मुझे ज्वेलरी मंगानी पड़ती, और फायदा क्या यार पैसे डालने का ज्वेलरी मंगाने के लिए, जब मेरे पास एक जोड़ी कोरा सेट रखा हुआ है पहले से ही, जिसको मैंने आज तक नहीं पहना। और तो इससे बेस्ट क्या हो सकता था कि मैंने उस ज्वेलरी के मैच, वेट रो रही है, मैं लेके आती हूँ। गाइस ये है वो शॉप जिसका नाम है अंबिका, AMBICA अंबिका सूट्स, ठीक है। शॉप नंबर 117 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रोड, अपोजिट सेंट्रल बैंक बरेली, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे जा सकते हो, यहाँ से ले सकते हो। ये जो ड्रेस पहना है मैंने आज, ये मैंने अंबिका सूट से लिया है, लास्ट रक्षाबंधन पे जो पहना था वो भी वहीं से लिया था, तो आप चेकअप कर सकते हैं। छापको देखो कितनी प्याली मेहंदी लगी है मेरे बच्चे के, सबको मेहंदी दिखा दो, देखो आई दिखा दो मेरा बच्चा, दिखा दो, देखो देखो देखो, दूसरा हाथ दिखाओ, फटाफट दिखाओ, दिखा दो, ये देखो ये देखो, अच्छे दोनों हाथों पे मेहंदी लगाई है मेरे बेटा ने। पहली चीज है पापा के पास जाऊंगी, पापा के पास देखो देखो देखो, पापा पे लगी रहती है बस, देखो देखो पापा को फोन चलाने नहीं देगी बिल्कुल। यहाँ गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ व्लॉग, आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और डोंट फॉरगेट टू कमेंट गाइस, अगर अच्छा लगे तो भी कमेंट कर दीजिएगा, बुरा लगे तो भी कमेंट कर दीजिएगा, जैसा भी आपका व्यू हो जस्ट उसको कमेंट में बताइएगा। ओके, हैव अ ग्रेट डे एंड हैप्पी तीज टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।